हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज से यानी कि 3 मई से प्रत्येक संडे को मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए करंट अफेयर मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश के जो भी न्यूज़ रहेगी करंट से रिलेटेड जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए उपयोगी रहेगी, तो वो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मैं वीकली करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बनाऊंगी, ताकि आप लोग हर संडे को जो मतलब जो जितने भी संडे पढ़ेंगे आज से, जो फर्स्ट आज 3 मई है, ये 3 मई 2020 से मैंने स्टार्ट करी है, तो जो फर्स्ट संडे आज पढ़ा है वो 3 मई को पढ़ा है मई का, तो आज से जितने भी आने वाले संडे होंगे सब में आप लोगों को करंट अफेयर की जितने भी क्वेश्चन पूरे वीक के रहेंगे जो बन सकते हैं करंट अफेयर से, वो मैं आपको इसमें सारे बताऊंगी। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे मध्य प्रदेश रिलेटेड आपके जॉब के एग्ज़ाम हो, किसी कोई भी वैकेंसी निकले जिसमें भी आपका करंट अफेयर आता है उसके लिए सबसे उपयोगी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, हम जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। इसमें मैं आपको जो आपके मतलब कि पर डे या जो भी सप्ताह के बीच में या किसी भी दिन जो भी आपके दिवस वगैरह होंगे वो भी मैं बताती जाऊंगी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके साथ में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस या फिर जो आपके राष्ट्रीय दिवस हैं इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। तो जो इस वीक का 1 मई को आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था और ये 1 मई को मनाया जाता है, ये जो श्रमिक या जो काम करने वाले कारीगर मजदूर वगैरह रहते हैं उन लोगों का ये दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष ये 1 मई को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है वो ILO मनाता है, ILO सेलिब्रेट करता है, ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है। तो ये प्रतिवर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो ये प्रतिवर्ष 1 मई को मनाती है। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है, जो इसका हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है। ठीक है, तो इस टाइप से आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रख लीजिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा में है। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन आता है वो है मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना क्यों शुरू की है। तो जो जीवन अमृत योजना है मध्य प्रदेश ने वो अभी हाल ही में शुरू करी है, क्योंकि जो ये COVID-19 की जो बीमारी फैल रही है, वायरस फैल रहा है, उससे बचने के लिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों में ये जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू करी है। ठीक है, इसमें जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक चूर्ण मध्य प्रदेश सरकार ने मतलब कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक चूर्ण का मतलब रिलीज़ किया है कि जिससे वो चूर्ण अगर आप मार्केट से खरीदें तो उस चूर्ण का उपयोग करने से, खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसलिए जो मध्य प्रदेश जीवन अमृत योजना है वो आपका इम्यूनिटी बढ़ाने से रिलेटेड है। ठीक है, अब महिलाओं के लिए मास्क बनाने का कार्य के लिए कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू की है। तो जो महिलाओं के लिए मास्क बनाने के कार्य के लिए अभी मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है, इसके कारण सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी है, तो उसके लिए जो महिलाएं हैं उनको मध्य प्रदेश सरकार ने मास्क बनाने का कार्य दिया है, है ना। तो जो उसमें जो योजना है इस मास्क बनाने की उसको जीवन शक्ति योजना नाम दिया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। जो अब जितने भी एग्जाम वगैरह आएंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जीवन शक्ति योजना मास्क बनाने से, महिलाओं के मास्क बनाने से रिलेटेड है, और जो जीवन अमृत योजना है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। ठीक है, तो जो मास्क बनाने से रिलेटेड है वो जीवन शक्ति योजना है, इसमें एक मास्क का आपको 11 रुपये गवर्नमेंट सरकार, मध्य प्रदेश सरकार एक मास्क का 11 रुपये देगी, और इस 11 रुपये का जो मास्क गवर्नमेंट सरकार देगी 11 रुपये एक मास्क का महिलाओं को, उसमें मास्क के लिए कपड़ा वगैरह और सिलाई वगैरह सब उन्हीं महिलाओं को पूरा एक मास्क कंप्लीट करके गवर्नमेंट सरकार को देना होगा। तो जितने भी वो बनाएंगी तो पर मास्क के हिसाब से 11 रुपये उन्हें मिलती रहेंगे। तो ये जीवन शक्ति योजना में है और ये भी हाल ही में करेंट की क्वेश्चन है। अब जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो आपका है इसमें कि मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर COVID-19 जो योद्धा कल्याण योजना है गूगल के साथ मिलकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। तो जो मध्य प्रदेश सरकार ने चीफ मिनिस्टर COVID-19 मतलब योजना का नाम रखा है, जो योद्धा कल्याण योजना है, चीफ मिनिस्टर COVID-19 योद्धा कल्याण योजना, तो इसमें गूगल ने मध्य प्रदेश सरकार का साथ दिया है। उन्होंने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए 50 लाख रुपये का बीमा देने की घोषणा करी है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ये सभी हाल ही करेंट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसी वीक के। अब जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो आपका है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव किस जिले में है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में, आप लोगों ने बहुत न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं वो आपके सबसे ज़्यादा कोरोना में
कोरोना ने इंदौर में हैं, और कोरोना के जो सबसे ज़्यादा मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं वो इंदौर में ही हो रहे हैं, है ना, अपने मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो। उसके बाद आपका आता है इंदौर के बाद फिर भोपाल आता है इसी क्रम में, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा आपका, भोपाल हो जाएगा। इस टाइप से ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। अब जो नेक्स्ट वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जो लोग पहली बार जुड़े हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।